जालिम क्रश एंड एंड दिस इज द लव। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय द व्लॉग। तो अभी सुबह के 8 o'clock हो रहे हैं, 11-12 बजे हम जाएंगे जी टायर मार्केट टायर लेने। तो बाकी सुबह सुबह आपको भाई उठते ही इसके पास आ गया जी, हल्का बोले छोटा चिप्स आपको देने के। बाकी माशाल्लाह इंजन भी काफ़ी मतलब अच्छा चल रहा है। अभी मैं दोबारा चलाऊंगा तो फिर मुझे कुछ लगेगा। रात को थोड़ी बहुत फीलिंग आई थी कि पेट्रोल डलवाने के बाद कि थोड़ी बाइक ना मतलब रुक रही है, बंद हो रही है, लेकिन नहीं, वो मेरा ख्याल है कि पेट्रोल की सर्कुलेशन हो रही है इस वजह से। तो बाकी वो भी हम चेक करवा लेंगे, कोई इशू नहीं है इतना। तो अभी हम ज़रा पैंथर की भी हेडलाइट सेट कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत ऊपर है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं हमें देखने में दुश्वारी होती है, इसको ज़रा नीचे करते हैं। ये नट खुलेंगे उसके बाद ये नीचे होगा। तो अभी किया तो है, बहुत ज़्यादा बुरी फील आ रही है यार, बहुत ज़्यादा ऊपर कर दो वापस। हम अंधेरे में चला लेंगे, हम इधर लगवा लेंगे यार, इधर लगा लूँगा लाइटें दो, वो मस्त हो जाए काम। बस थोड़ी बहुत नीचे अभी भी कर देते हैं, थोड़ी बहुत, इतनी काफ़ी है। अब इसका हम लगा देते हैं नट, टाइट कर देते हैं जी पैट। बाकी फिर हो गए 9 का टाइम, तो हम निकलना है जी, निकलते हैं कोई अपना तकरीबन हम कुछ 11 के बजे निकलेंगे ताकि 12 बजे तक हम टायर मार्केट पहुंच जाएं और फिर वहां से ले लें। अबू तो आपको चढ़ गया था जी बुखार, तो अब हम इसके लिए मेडिसिन लेने हॉस्पिटल आए हैं। हुआ हुआ इसका कुछ नहीं, बस आए ड्रामेबाजी। चुप कर बे कुत्ते, क्या हुआ है? ओके मम्मी जैसे मेडिसिन लेकर हम चलते हैं बता। अच्छा, कल के सफर में मेरे साथ तो कीर और अफलान थे, आज के सफर में मेरे साथ होगा जी साइम। अस्सलाम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। सर पहले बाइक की बात चेक करो फिर बात। ये गल इंजन सही के नहीं? नहीं, ओए होए मीटर की तरह बुरा लगा। कैसी बात? नया लगवा लेते हैं या क्या कहते हैं ना, इसको ठीक करवाते हैं। चलो चलते हैं फिर करते हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं स्टिकर वाली दुकान पे, इधर से हम मीटर का जरा काम कूम करवा लें, स्टिकर लगवा लें, फिर उसके बाद बाकी आगे चलते हैं। टायर ना ना अच्छा, मैं तो कहना 6 का जेब जवा लेने हैं, क्यों साईं भाई लालच हो रहा नहीं है। जी तो भाई इधर ये लग रहे हैं, उधर मैट ब्लैक लगवा ग्लोव ब्लैक और वहाँ हम कर देंगे और इन शाह काम करवा देते हैं रैप, फिर उसके बाद हम चलते थके तब तक मार्केट खुल जाए। तो लास्ट टाइम इधर से हमने टायर कर लिया था 90-90-18, अब हम लेंगे 100-90-18। चलो फिर चलते हैं लेके, फिर लगवाते हैं। इसके अलावा नहीं क्या डिजाइन है? बासे भाई कल भी मैंने इसको पैसे दिए थे। कोई
बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। जाके जाके इंजन सही करवा लो। जी जी। और आज फिर मेरे से ये 10,000 रुपया गया। बेटा सीढ़ियों से नीचे जाते हो, किसे लगाना है बेटा? अब तो गाड़ी नहीं आ गई होती है। चुप कर बे कुत्ते, ये बहुत भारी है। घोड़ानी तो आती है। चला कर। ये शेर नहीं है यार, मुझे इसकी हेल्प करानी पड़ती है हर बार। अच्छा ठीक है, बस भाई कभी ऐसी वीडियो ना बनाया। डायमंड का टायर है, डिजाइन हमें ये चाहिए था, हमने ले लिया है। ये मिला इस दुकान से। तो बहुत अभी ये अंकल खो रहे हैं ये, और उसके बाद ये लगेगा डायमंड का टायर है जी, 100-18 है। अभी छोटी सी मिस्टेक होनी थी, बाइक ने नीचे जाना था, सिर्फ इस बंदा ही हुआ। ये बंदा बहुत हरामी है गाइस, बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। अभी टायर जी खुल रहे, खुल गया बल्कि। गाइस ट्यूब क्या रहता है, चेक करो क्या बात है। फ्लाइट 40 होगी, ये तो दो बार और चल जानी है ना। क्यों कहा जी पिछला टायर डर रहे, और अगला भी हमने खरीद लिया है, अब अगला भी इसका डलवा लेते हैं फटाफट से जी। गुड हो गए, गुड गुड गुड, सेम जो पहले। आगे नहीं फैट डाल सकते, मैंने पूछा, कहता नहीं फैट नहीं चलेगा। ये तो वॉइस काफ़ी हद तक काम को, मैं पिछले टायर का रेट टायर का हो गया, फ्रंट टायर का अगले टायर का तो वो लगवाते हैं, वो पड़ा हुआ टायर हमारा सर्विस का। यम पम ओपो पर तारा लगा, क्यों अगले टायर की मुझे मात्र फुल बजी हुई है। ये ट्यूब मैं नई डलवाई थी, ये ठीक है, बीच जैसा है, मतलब ब्रांड न्यू है, इसको मैं रख सकता हूँ अपने पास। सेम ही ट्यूब उठा लिया। अच्छा ये सही भाई है, किसको देनी है भाई? सही है। अच्छा मैंने पंचर का नहीं लगा, पहले लगाया दे ले। अच्छा पर जब ये खराब हो गई तो? हाँ समझदार हो वो, देखो टायर आ रहा है। सेम वो टायर कह रहा मुझे अगले जो जा जो ले आ।
गाइस साइम का नीचे रहता हमारा है, उधर से टायर ठोक में उधर से बाहर निकल गया। मजा आए, ये चोर है ये जिधर मिले न फड़ के कुत्तो, ये चोर है। जीत बॉय आगे भी टायर फाइनली लग चुका है, खुला है बाहरों से बाइक में, थोड़ा कहीं लग रहा है। जीत बॉय पिछले टायर भी डल गए, अगला भी चलें। जी तो बॉयस ये था वेनम, तो पीछे हमने फैट टायर डलवाया जिसकी लुक माशाल्लाह काफ़ी प्यारी आ रही है। यार इसका मैं एक बात बताऊँ, रियलिटी में टायर मोटा लग रहा है, वीडियोस में नहीं लग रहा। मैं देखी कुछ वीडियोस, इसमें मुझे कुछ इलम हो गया, पर ये मोटा टायर अच्छा खफा। बाकी अब सिनेमैटिक Yeah, let it.